दानिया, मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ या तुम अकेले रहना चाह रहे हाँ प्लीज बैठिए, आ जाइए। तुम्हें लग रहा होगा ना कि सब कुछ बिखर सा रहा है। थोड़ा थोड़ा। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि सब बड़े मिलकर अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं और तुमसे कोई पूछ ही नहीं रहा कि तुम क्या चाहती हो? नहीं, आई थिंक एट दिस पॉइंट सबको पता ही है कि मेरा क्या फैसला है, और आई थिंक बाबा को स्पेशली पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। जानते हैं तुम्हारे बाबा, हालांकि तुमने कभी अपने बाबा से या मुझसे खुलकर बात नहीं की, और मैं जानती हूँ कि तुम कभी खुलकर बात करोगी भी नहीं। तुम सादतमंद और खामोश बेटी हो, बड़ों की इज्जत करती हो, इसीलिए उनके सामने खामोश रहती हो। लेकिन खामोशी का मतलब हर कोई नहीं समझता। लेकिन मैं समझती हूँ। इतने बरसों के बाद जब सारे रिश्ते और नाते टूट गए थे ना, तो मुझे लगता था मैं कभी नहीं जोड़ पाऊंगी। लेकिन तुमसे मिलने के बाद तुम्हें गले लगा के सारे रिश्ते सब वापस से सही हो गया। मेरे सारे दुख, मेरे पछतावे, मेरी नाउम्मीदियां सब खत्म हो गई। सादतमंदी और खामोशी बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन कभी कभार बोलना पड़ता है। क्या आपकी कहीं खामोशी किसी का दिल ना दुखा दे और आपकी चुप को कोई इनकार ना समझे? मैं डरती हूँ, काफी डर लगता है मुझे। किस बात से? फैसलों से और अनदेखे मुस्तकबिल से। अनदेखे फ्यूचर से तो बेटा हम सब डरते हैं, लेकिन फिर अपनी समझ बूझ के हिसाब से हम फैसले ले लेते हैं और फिर अल्लाह पर छोड़ देते हैं। तुम भी ऐसा ही करोगी। रूहान बहुत पसंद है ना तुम्हें? बहुत अच्छा लड़का है। किसी के अच्छा लगने की वजूहात होती है, और ये वजूहात जज्बाती और बेवकूफाना ना हो तो बेहतर बात है। वजूहात तो बहुत सारी हैं और काफी प्रैक्टिकल वजूहात हैं। मुझे लगता है हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। लेकिन लेकिन मैं उसको उसकी फैमिली, उसके घर, उसकी मम्मा से नहीं दूर कर सकती और ना कभी करूंगी। ये बात तुमने कभी रूहान से की है? आई थिंक उसको पता है, लेकिन मैं उससे कभी खुले अल्फाज में बोलूंगी नहीं ऐसे। बेटा उसके साथ काम करो, वक्त दो, खुद को भी और उसको भी। एक अच्छी सी मूवी बनाओ और फिर उसकी मामा से जाके बात करो। उसकी मामा से मैं बात करूं? ऐसे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। याद रखना दानिया, इज्जत करते हैं लेकिन डरते नहीं, बात करते हैं चीखते नहीं। सवेरा दिल की बुरी नहीं है, वो खौफ ज़दा है, और उसका डर सिर्फ तुम ही निकाल सकती हो। जैसे तुमने बिना लड़े बिना झगड़े अपने बाबा का फैसला बदला, मेरा फैसला बदला और मुझे इस घर में ले आई वापस। I love you. I love you too, बेटा.